नमस्कार। पश्चिम ओडिशार सबु जिले एवं सबुठ बड़ इश्यू सबुठ बड़ समस्या है चाषी मान समस्या। अधिकांश मंडी में चाषी मान धान बिक्री हो पारना मस मास धरी चाषी मैंने पड़ रही धान बिक्री हो पारना एवं ताकू नहीं कि चाषी मान भर असंतोष कुहबारे लगी। तो यह असंतोष रु बर्तवापी आम देखी गत 10 दिन तले शासक दल कलाहांडी एक सरकारी कार्यक्रम को किभली दलय कार्यक्रम में परिणत कर 70 रु अधिक विधायक एवं गंडा गंडा मंत्री पड़ रही थे सबू गाँव में एलईडी टीवी माध्यम कि प्रचार कर जलसेचन प्रकल्पर लोकार्पण कार्यक्रम को अर्थात कलाहांडी आरंभ होता कलाहांडी अनुष्ठित होता यह कार्यक्रम शासक दलर फोकस रे पश्चिम ओडिशा खासकर चाषी मानकर जो असंतोष रही किभली प्रशमित कर से नहीं कि अनेक गोलाप चित्र देखाई थे सीदिन सरकारी दल पक्षर सेपटे चाषी मान इश्यू को लेकर सरकार को घेरवापी बीजेपी आज समावेश कर संबलपुर आरडीसी ऑफिस घेराव कर तो चाषी मान इश्यू को प्रसंग कर शासक दल और मुख्य विरोधी दल वर्तमान सामना को आसी तार पृष्ठभूमि होे आम देखा जे गत 2 2 निर्वाचन 2017 पंचायत निर्वाचन एवं 2019 लोकसभा निर्वाचन ये दुईट जाक निर्वाचन में शासक विजु जनता दल को प्रचंड धक्का लगे लोकसभा 5 सीट बीजेपी हाथ नेला जिला परिषद निर्वाचन रे अधिकांश जिले में शासक विजु जनता दल को चकमा दे बीजेपी ते तेणु चिंता घारी आगक पंचायत निर्वाचन आसूरी तेणु दल किभरी निजक से सजाड़ब तो से आरंभ कर फोकस जो कि कलाहांडी आरंभ हो खूब शीघ्र एक सूचना अच्छी सुंदरगढ़ जाऊँगी मुख्यमंत्री से ठीक यही ढंग से सभा करेंगे एवं जहाँ सूचना अच्छी परवर्त समय अन्य जिला गुड़ी को गस्त करेंगे एवं सेठी संगठन को सजाड़ापी उद्यम करेंगे कारण मुख्यमंत्री निजे बीजेपुर प्रार्थी होते किंतु तांकर से कार्ड काम देना लोकसभा गोटे हेले सीट पश्चिम ओडिशा जीति पारा ना विजु जनता दल तो सेपटे बीजेपी निजक अधिक फोकस करुच्ची चाषी मान इश्यू को लेकिन सरकार को किभली भाव में घेर से भित्तिभूमि तैयारी करुच्ची आज आरडीसी ऑफिस घेराव तो ये प्रसंगे आज आलोचना रणभूमि पश्चिम ओडिशा आम सहित आज पैनल अच्छा संतोष सिंह सालुजा आम सहित अच्छा कांग्रेस विधायक आम सहित अच्छा विरोधी दल नेता प्रदीप्त नायक और अक्षय साहू वरिष्ठ सांबादिकम सहित जोड़ी होती मुझ प्रथम सहित प्रदीप्त नायक आपण आरंभ करने चाहिए जो भाई भाव में आज चाषी मान समस्या को लेकिन आपण दल तरफ आज विराट चाषी समावेश आरडीसी ऑफिस आज घेराव कर चाषी मान समस्या को उठेबापी आपण दल उद्यम करुच्ची सेपटे विजु जनता दल सामान भाव चाषी मान कथा कहि उषुना अरुआ प्रसंग उठाऊ जलसेचन केमती चाषी मानी कर से कथा लोक मानते पहुँचापी कलाहांडी समावेश सरकारी कार्यक्रम जदिओला किंतु संपूर्ण रूपे दलय प्रचार प्लाटफर्म भाव व्यवहार कला भाई गोटे अनुभूत होता एवं सेपटे सुंदरगढ़ पुणी जाऊँगी मुख्यमंत्री तो कथा हूँ चाषीकर प्रसंग को किभली भाव इश्यू नहेब चाषी मान असंतोष को किभली भाव प्रशमित कर शासक दल पूरा प्राणप्राणी उद्यम चल तो यह भाव में आपण मान जो उद्यम केमती सफल हम केते दूर सफल हम आपण आशा ने आम चाषी भाई जो धान सब अच्छे से धानटा को उठेबापी राज्य सरकार को आम बाध्य करिवार योजना करुछु 25 रु 15 रु जेते बेले धान किणिवार आरंभ करा जाय छे एवं मार्च 5 पर्यंत जेते बेले टोकन दिया सरी छे आज भी चाषी धान आपणकर 80% उठला परे भी टोकन आज उठि पारला सेमान को ना टारगेट केमिति खत्म होगा सरकार तार जवाबदारी हेबे ना आम ये विषयटा को सरकार दृष्टि आकर्षण करने 5 जिला 5 MP क्षेत्र एवं बौद्धर फुलवाणी
ओके जी तो प्रदीप्त नायक सहित किसी टेक्निकल इश्यू जो कथा पहुंची पारुनी मुझे तो सालुजा पाक आसवाक चाहिए सी तो सालुजा आपन को स्वागत जो भाई भाव में बर्तमान चाषी मानकर समस्या गोटे इश्यू हो विरोधी दल मुख्य विरोधी दल भाव में बीजेपी इश्यू को उठाऊ आज आरडीसी ऑफिस घेराव करता सेपटे शासक विजु जनता दल चाषी मानकर असंतोष को प्रशमित करने उद्यम चल फोकस बर्तमान पश्चिम ओडिशार जो जिला गुड़िक रही से जिला गुड़िकर ऊपर वर्तमान फोकस करछि शासक विजु जनता दल कलाहांडी रे मुख्यमंत्री गस्त कले एवं सुंदरगढ़ गस्त करिवे खूब शीघ्र फेब्रुवारी मास रे जहां सूचना अछि आगु को अन्य जिला मध्य गस्त करिवे बोली जहां जणा पडुछि तो एभली स्थिति रे आपन को लागुछि चासी मानकर जो असंतोष रहिछि गोटे पटे सरकार कहउछंती जे 21% जो टार्गेट गत वर्ष अपेक्षा 21% अधिक धान आमे प्रोक्योर करि सारलुनी किंतु अन्य पटे आज हजार हजार बस्ता धान आज पड़ रही मंडी में चाषी मानकर धान बिक्री हो पारना मस मस तलू टोकन पाई किंतु से माने धान न बिकी आज से माने राजरास्ता को ओल्लौंती तो सालुजा आप शुपार संतोष सिंह सालुजा सहित कथा पहुंची पारुनी मुझे तो अक्षय साहू पाखु आसवाक चाहिए वरिष्ठ सांबादिक सहित जोड़ी होती सुत साहू ये जो भाई भाव में उभय शासक दल एवं मुख्य विरोधी दल पश्चिम ओडिशार जो रही पांच लोकसभा क्षेत्र तापर फोकस कर खास कर देखा कलाहांडी से जिला जोटि की विजु जनता दल सब अधिक क्षतिग्रस्त होता गत पंचायत निर्वाचन एवं जिला परिषद रु मात्र दुईटी जिते बड़े विजु जनता दल को मिलता 33 हाथी बीजेपी एवं परवर्ती समय लोकसभा आसन रखिपारा ना निज पाखरे तो यह स्थित बीजेडी फोकस कर पश्चिम ओडिशा उपरे एवं बीजेपी चाषी मान इश्यू को फोकस करके शासक दल को सेठी चेक देव से उद्यम चल तो दुई दल प्रायोरीटी से कहुपर वर्तमान स्थित देखु मु राजनीति की जीवे ना आम प्रसंग रहा प्रसंग टी हूँ जे वर्तमान आपत प्रथम आरंभ कले चाषी मान कथा वर्तमान चाषी धान अमल कर सान को से माने बिक्री करने दरकार वर्तमान सरकार आम जहाँ देखुचे किसी वर्ष है आम ओडिशार चाषी मान जमी मान सुचारू रूपे बहुत जो श्रम संबल समय देकर जो धान उत्पादन करछंती सरकारी धार्य रेट रे बा मिनिमम जो सर्वनिम्न सहायक मूल्य अछि सेटा बिक्री करबा कथा एवं सेटा को किबली से बिक्री करी परिबे सेटा होची राज्य सरकार दायित्व केन्द्र सरकार पैसा देबे राज्य सरकार फैसिलिटेटर हिसाब से दायित्व होची से किबली मंडी रे से माने जो 1868 टका हमर एमएसपी पाई अछि से हिसाब से तांको बिक्री करबे किंतु वर्तमान आम देखुचे जे माने राज्य सरकार जेमती अति विगत वर्ष मान क्षेत्र में संपूर्ण फेलुअर होते आशा कर जन मंत्री जी कि गोटे सोशलिस्ट बैकग्राउंड रही सी जो ए विभाग दायित्व ने आशा कर समस्या गोटे सबुदिन समाधान हो किंतु गत वर्ष देखिले यही समस्या एवं ए वर्ष देखुचे से समस्या जहा ग्राउंड रु फीडबैक आसुची गोटे कथा होची जे राज्य सरकार तांकर बाहा को चेष्टा करुछंती जे आमर जो टार्गेट थिला चलित ऋतु जो टार्गेट थिला से टार्गेट रे पाखापाखी 80% पहुंची गलुनी किंतु एबे भी आम जहाँ देखा जाउची धान मंडी रे जो संख्या पड़ी रही खूब कम दिन भीतर माने टार्गेट पूरण होला कहिकि मंडी बंद कर देबे एवं आपणकर धान जो हिसाब रे लोक माने नेकि आसीछन चासी माने ताको बिक्री करी परिबे नै अर्थात समानको हताश सभाको पड़िबो एटा होची राज्य सरकारंकर जो क्लैरिटी रहिबा कथा जे को पत्र को मंडी रे आपनकर धार्य टार्गेट कोन रहिची ताको स्पष्ट भाबरे सेठी आपनकर से सामना रे रखिबा कथा कहाकु केते टोकन दिया जायची किए केते टोकन पाइबर प्राप्य से कथा गोटे मंडी रे जो स्पष्ट भाबरे जो चित्र पाया कथा ताको चासी माने किंतु सरकार कहउछंती जे आमे गत वर्ष तुलना रे अधिक धान किणी सारलुनी सेटा होची प्रश्नचित्त साहू जे केमती एटा संभव हैला जिते बड़े चासी टोकन पाई धान बिकिनी टार्गेट केमती फिलअप हो गला एक आम
सरकार गत वर्ष तुलन अधिक धान किणिने केमिति ए दाबी बड़ा आश्चर्यजनक मुझे सालुजा पाखक आसबि सुत सालुजा मंडी में टोकन धान धान पड़ी चाषी हजार हजार बस्ता टोकन पाई टार्गेट केमती फिलअप हो जा तार सिंपल गणित है विशेष करी दलाल माने जो माने चाष काम करते ना से माने चाषी मानकर ना रे बा जो चाषी मानकर जमीटा बिक्री हो जाए ना रु कटि ना बा जमती बड़ बड़ प्रोजेक्ट एम आई प्रोजेक्ट जोटा हो जगार जिते जमी डैम भितर बुड़ी जाइए सरकार से जमी गुड़ाकर रेकर्ड रु काटि ना सही दलाल माने कौन करती सही चाषी मान को यही भोली चाषी मानक ना रे से माने आर आई को धरी करी तांकर से जमीर कागज पत्र करांती एवं टार्गेट रो से चाषी मानक ना रे जा टोकन आसे प्रथमे जाई से माने से धान मंडी को नियंती एवं दलाली हिसाब रु जो आनीतिबा धान तांकर नेक्सस रहउछे मिल मालिक मान को पाखरे सांगरे एवं ताकू से माने एंट्री करंती बारंबार आमे माने दाबी करिछु एवं सरकार मध्य निर्देश देइछंती कि मंडी रे मिल मालिक जाइ परिबे नै किंतु सबु जगार आमे देखिछु मिल मालिक माने जाउछंती आमे मुरीभाल ब्लॉक रे सबु मंडी रे अभियोग करिछु कलेक्टर सब कलेक्टर को भी सरकार को भी अनुरोध करिछु कि एही बोली भाव रे लोक मिल मालिक माने जाउछंती सीधा सलक भाव रे मंडी रे एवं से माने ताको दलाल रु धान किणुछंती एवं जो माने चासी अछंती से माने धान रो उपयुक्त मूल्य पाई पारु नांती सेति पाई जेते फॉल्स एंट्री बारी सेटलिंग होईची एबे प्रकृत चासी जो समय रे धान आनीची ताकर धान बिक्री हई पारु नै तार मुख्य कारण हला एक एवं दुई रे राज्य सरकार गुटे टेंडर करथिले कि से ट्रांसपोर्टर माने मंडी रो माल नेबे आ सीधा मिल मालिक को डिलीवरी देवे किंतु राज्य सरकार काहे कि से टेंडर को जो माने पाइथिले देले नै सेही मंडी रे सीधा सलक भाव रे मिल मालिक मान को देले मिल मालिक माने निजर कागज पत्र फॉल्स जोटा आसीची ताकू 30 टा बड़ा प्रश्न उठुची सरकार कहा स्वार्थ रे चाषी मानक स्वार्थ रे ना मिलर मानक स्वार्थ रे ए प्रश्न आसती मुझे सालुजा आपण पाक आसबि सुत प्रदीप्त नायक मु आपण पाक आसबि समय कम अछि टेक्निकल इश्यू जोगु आपणकर कथा पूरा होई पर नथिला एडी कथा उठुची जे मंडी रे धान बिक्री होई पारु नाही सरकार दोष दउछंती केन्द्र को काहे कि उष्णा चावल किणुनी ए कथा कह जाउछि इश्यू करा जाउछि त इश्यू को डाइवर्ट करिया पाए कथा होउछि आपण माने आंदोलन करुछंती सरकार सेपटे समाप कलाहांडी रे सरकारी कार्यक्रम रे जल सेचन प्रकल्प उद्घाटन करिछंती एवं सेठी दलीय प्रचार करा जाउछि सरकारकर फोकस कोन चासी मानकर असंतोष को प्रशमित करिवा पई ये उद्यम चालिछि कि हां चासी मानकर जो समस्या रहिछि से किवळे रे घंट घोडे हे जीवो नवीन बाबू गोटे जिला को 70 एमएलए मंत्री धरी के गले पश्चिम जिला परिषद इलेक्शन कलाहांडी जिला गोटे बड़ कष्ट लगे आमे से समय कई एमएलए नथिले तांकर एमएलए मंत्री खाई जदि आमे सब किछि बोलु तांको कष्ट लागबो नै आमे पश्चिम ओडिसा रे पांच को पांच एमपी जितला पर तांको कष्ट हबो नै कि ए माने ए सब देखि कि होरे बारे भविष्य रे आगामी इलेक्शन रे जितिबे तांकर योजना करछन कि आज जो चाची रो मंडी रे धान उठि परो नै आज घर आपन गत वर्ष केंद्र सरकार 9000 कोटी टंका देखिले इधर 13000 कोटी टंका देखि छथि अधिक आम निश्चय किबे आज टोकन इश्यू हला परे टारगेट कहीं की कम हो जाय छी केंद्र सरकार तो कहू छथि अपन को लक्ष्य मैट्रिक टन किनवा पाई राज्य सरकार कहीं की 70000 मैट्रिक टन किनवा पाई के माने श्रीकुट कॉलेज अपन इरिगेटेड एरिया रो
19 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଏବଂ ନ ନେଇ ଦେଖିବାକୁ 13 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କାହିଁକି ନେବେ? ଚାଷୀର ଉତ୍ପାଦନ ଯେତିକି ହେବ ସେତିକି ଧାନ କିଣିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରକାର କରିବା ଉଚିତ। ଆଜି ଆମେ ଧାରଣା ରେଲି ପାଇଁ ଆସିଲୁ, ଆଜି ଆରଟିସି ଅଫିସକୁ ଆମେ ଆଗରୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲୁ 16 ତାରିଖ ଦିନ ଆରଟିସି ଅଫିସ ଆମର ଘେର ହେବ। ଘେର ହେବ ଅର୍ଥ ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ ରଖିବୁ, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବୁ, ଆଲୋଚନା କରିବୁ। କିଛି ଆରଟିସି ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧା ଯେ ଫେରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗୁଛି, ଆଲୋଚନା କଲେ ନାହିଁ। ଆଜି ଆମେ କାହିଁ ନା କାହିଁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଫିସରୁ ବଡ଼ ଅଫିସର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରଭାବ ହିସାବରେ ଥିବ, ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସବୁ ଅଫିସର ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଆଲୋଚନା କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଥାନାରେ ଆରେଷ୍ଟ ହେଲା ପରେ କୌଣସି ଲୋକ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ନାହିଁ, ପଚାରିଲେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ରହିଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ ବୋଲି ବି କହିବାକୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ଆମେ କହିଲୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଛୁ, ମଣ୍ଡିରେ ଥିବା ଧାନ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠି ନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଥାନାରୁ ଉଠିବୁ ନାହିଁ। ଆମେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇସାରିଛୁ, ଆରଡିସି ତ ନୁହେଁ ସରକାର, ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ କେତେ ଦିନ ଠାରୁ, କେଉଁ ଦିନ ଠାରୁ ଧାନ ଉଠିବ ଏବଂ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ସଫା କେବେ ହେବ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କୁହନ୍ତୁ। 15 ନଭେମ୍ବରରୁ ଧାନ କିଣା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, 5 ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟୋକନ ଚାଲିବ, ଇସ୍ୟୁ ହେଇସାରିଛି। ଯଦି ଆଜି ଧାନ ଉଠିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ରପ୍ର ଚାଷ ପାଇଁ ଚାଷୀ ଭାଇ ପାଖରେ ପଇସା କେଉଁଠୁ ଆସିବ? ସେ ତ ଆଗରୁ ଋଣ କରଜ କରି ଧାନ ଚାଷ କରିଛି। ଏଣେ ମଣ୍ଡିରେ 5 କେଜି ଏବଂ ବସ୍ତା ପିଛା 2 କେଜି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲକୁ ଯଦି ଚାଷୀର 7 କେଜି ଧାନ କଟାଯାଏ ତାହେଲେ ସେ ଚାଷୀ ଭାଇର ପରିଶ୍ରମକୁ କିଏ ନେଉଛି? ଇଏ ପଇସାଟାକୁ ବାଟମାରଣା ହେଉଥିବା ପାଇଁ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁ ନା କାହିଁ ସରକାରର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଥିବାର କଥା, ଗନ୍ଧ ଆସୁଛି ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଆ ପଛରେ ସରକାର ଗୋଟେ ପଟେ ଗୁଣିଆ ହେଇ ଝାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଡାହାଣି ହେଇ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପଟେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଚାଷୀର ବସ୍ତାଟିଏ ବି ଧାନ ଆମେ ବିକ୍ରି ନ ହେଇକି ଫେରାଇ ଦେବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ ଏ କଥା ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ହଜାର ହଜାର ବସ୍ତା ଧାନ ପଡ଼ି ରହିଛି। ସନ୍ତୋଷ ସିଂ ସାଲୁଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ ଆସିବାକୁ ଚାହିଁବି। କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ସମାବେଶ କରାଗଲା, ଶାସକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯଦିଓ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଠି 70 ବିଧାୟକ ଡେରା ପକାଇବା, ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯାଇକି ଡେରା ପକାଇବା, ଗାଁ ଗାଁରେ ଏଲ୍ଇଡି ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚାର କରିବା, ଆମେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା କରୁଛୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଏବଂ ଏପଟେ ଯେତେବେଳେ ଧାନ ବିକ୍ରି ହୋଇପାରୁନି ସେତେବେଳେ ନିଜର ଦୋଷକୁ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଉଷୁନା ଅରୁଆ ଚାଉଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବା, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅସନ୍ତୋଷ ରହିଛି ତାକୁ ପ୍ରଶମିତ କରିପାରିବ? କେବେ ହେଲେ ନୁହଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର 70 ଛାଡ଼ିକରି 112 MLA ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପୁରା ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳ ସବୁ MLA ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନେ ଚାଷୀକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ବହୁତ ଚାଷୀ ଯେନ୍ମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡିରେ ଟୋକନ୍ ମିଳିଥିଲା, ଟୋକନ୍ ଲ୍ୟାପ୍ସ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଧାନ ପଡ଼ି ରହିଛି। ମିଲ୍ ମାଲିକମାନେ ସିଧାସଳଖ କହୁଛନ୍ତି 1200 ଟଙ୍କାରେ ତୁମେ ଧାନ ଦେଲେ ଆମେ ଉଠେଇବୁ ବ୍ୟାକ୍ଡୋର୍ରୁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ମଣ୍ଡିରେ, ଇଭେନ୍ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ବୋରିଭାଲ ବ୍ଲକରେ BJD ବାଲେ ମଧ୍ୟ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି କି ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ଉଠୁନାହିଁ ବୋଲିକରି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେତେ ବି ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ନିଅନ୍ତୁ, ଯେତେ ବି MLA କେଉଁ ନିଅନ୍ତୁ, ଚାଷୀମାନେ କେବେ ହେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସାଙ୍ଗରେ ରହିବେ ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରରେ ଆଜି 1.5 ମାସରୁ ଉପରେ ହେଲାଣି ଚାଷୀମାନେ ଧର୍ମଘଟରେ ବସିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଧାନ ଉଠୁନାହିଁ, ବିକ୍ରି ହେଉନାହିଁ, 8 କେଜି 10 କେଜି କଟନୀ ଛଟନୀ ହେଉଛି, ବସ୍ତାର ପଇସା ମିଳୁନି ଅଖାର, ଏବଂ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ମିଲ୍ ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ପୋଷିବା ପାଇଁ, ମିଲ୍ ମାଲିକମାନଙ୍କୁ କୋଟିପତି ବନେଇବା ପାଇଁ, ମିଲ୍ ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ଚନ୍ଦା ନେବା ପାଇଁ ଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମିଲ୍ ମାଲିକଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ଧାନ ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଚାଷୀକୁ ମାରବାର ନୀତି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଚାଷୀ ମାରଣ ନୀତି ଚାଲିଛି। ସୁତ ଅକ୍ଷୟ ସାହୁ, ମୁଁ ଆସିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଧରିଛୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପଟେ ଶାସକ ଦଳ ଫୋକସ୍ କରୁଛି ସେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଠାଉଛି, କାରଣ ସେ ଜାଣିଛି ଯେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଅସନ୍ତୋଷ କେମିତି ରହିଛି। ସେପଟେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମଧ୍ୟ ସେହି 5 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଚାଷୀଙ୍କୁ ନେଇକି ଆଜି RDC ଅଫିସ୍ ଘେରାଉ କରିଛି ସମ୍ବଲପୁରରେ। ତ ଉଭୟ ଦଳ, ଶାସକ ଦଳ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ, ଉଭୟଙ୍କର ଫୋକସ୍ରେ ରହିଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସେ 5 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ।
ଯେଉଁଠି କି ମାତ ଖାଇଛି ବିଜେଡି ଗତ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଏବଂ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ କଥା ଆଗକୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ଏବଂ କୁହାଯାଉଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବ ବିଜେଡି ଏବଂ ତା ପଛରେ ସେ ଆଶଙ୍କାଟି ରହିଛି କି ସେ ଡରଟି ରହିଛି କି ଯେ ଆଗକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ କାଳେ ଖେଳ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇପାରେ ଗଥର ଭଳି। बिल्कुल गत पंचायत निर्वाचन रे भारतीय जनता पार्टी आम देखुचे जे कांग्रेस को पचर पक द्वितीय पोजिशन को आसीला एवं भल संख्या रे आसन पाई तो निश्चित भाव से चाहिए जे अतीत जमती विजु जनता दल गोटे बहुत आसन जीति थे से बहुत आसन से जितापट हासिल करी पुणी थे प्रस्तुत रही दुहजार चौबीस निर्वाचन जो भित्तिमि टे दोहली जाइए पुणी सुदृढ़ करने किंतु कथा होची जे वर्तमान जो चाषी प्रसंग रे भारतीय जनता पार्टी किंबा कांग्रेस जो ताको प्रसंग करिकि तोली विशेष करिकि ए जो चाषी माने तांकर जो धान विक्रय करि परुनाती ए प्रसंग को केवल भारतीय जनता पार्टी नै कांग्रेस मध्य दृढ़ स्वर रे आकु उठेबा दरकार एवं जेंति भाजपा तार आंदोलनात्मक पंथा अवलंबन करछे और कांग्रेस मध्य से भले आंदोलनात्मक पंथा अवलंबन करबा दरकार एवं जेतेबेला प्रसंग उठिबो प्रसंग को लेकिन राजनीति हम कारण प्रसंग रे को दल आंतरिकता केते अच्छी केते जोर से प्रसंग उठाऊ केते प्रभावी ढंग से प्रसंग को उठाऊ लोक जज करती से दल शक्ति को आकलन करते हिसाब से स्नेह श्रद्धा को से भोट आकार ओजाड़ी दिखती निश्चित रूप तो ये आम देखुचे भारतीय हाँ ये भारतीय जनता पार्टी ए प्रसंग को केते बाट नहीं जाऊँ देखा पड़ो एवं समस्त भी कांग्रेस आवश्यकता रही प्रसंग को उठेबा दरकार आमे देखिले बरगढ़ एवं आपंकर संबलपुर इत्यादि जो फीडबैक आसला चासी मानकर सेमाने टोकन जनरेट करथिले किंतु टोकन नो टाइम लैप्स कर जायछि व्हाट इज द सॉल्यूशन टू दैट प्रॉब्लम से प्रॉब्लम ए पर्यंत जे मंत्री सेति पय मंत्रीक कथा उठौथिले मंत्री मोर व्यक्तिगत बंधु किंतु एते प्रसंग ऊपर आमे रहिबा जे काहे कि व्हाई इज नॉट कमिंग आउट टू व्हाई इज नॉट मेकिंग अ स्टेटमेंट जारे टोकन पीरियड लैप्स कर जायछि ताकर किंतु धान किना पूर्वर बहुत बड़ बड़ भासपोर्ट मारिथिले मंत्री से मंत्री धान किणा जिते बेला आरंभ हेबा पूर्वर बहुत बड़ बड़ भाषण मारिथिले भासपोर्ट मारिथिले एवं आश्वासना देथिले बस्ते हेले भी धान बिक्री नहि कि फेरिबने किंतु कुआडे गला से भाषण काहिं कि आजि एभली स्थिति टोकन पाइकरी भी टार्गेट धान चासिंकर धान बिक्री हेइ पारने सेबटे टार्गेट फिलअप हो जाउछि ए प्रश्न एवं ए कथा कु विरोध दल माने केमति केते दूर आगुकु नौछंती सरकार को ऊपर केते प्रेशर क्रिएट करुछंती एवं विभिन्न इश्यू कथा उठाई एवं जलसेचन कथा कही केते बेले उसुना अरुआ कही वास्तव में सरकारी दल कौन सक्षम हो पार चाषी मानक असंतोष को एड़ बारे ये हूँ बड़ा प्रश्न। बहुत बहुत धन्यवाद आप समस्त को श्री अक्षय साहू श्री संतोष सिंह सालुजा श्री प्रदीप्त नायक प्रसंगे आपण मत रखिवर समय होलोचना को ये सारा नमस्कार।